सो हाय गाइस, आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे और आप सब लोगों का स्वागत है आपके ही चैनल वाइज एडवाइस पर। तो फ्रेंड, आज इन्फ्लेशन रेट दोबारा से इंक्रीज हो गया 8.5%, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन इन्फ्लेशन रेट की अगर मैंने आपको पिछली वीडियो में बात करी थी, इन्फ्लेशन रेट जो है अगर वो बढ़ रहा है और रीजनेबल रेट पर बढ़ रहा है, इट शुड बी गुड फॉर बिटकॉइन। यहाँ पर इतनी एक और पॉजिटिव न्यूज़ आई, मियामी इवेंट्स के अंदर बहुत सारी पॉजिटिव न्यूज़ भर भर के आई। उसके बाद अभी मैंने रिसेंटली एक न्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर करी थी, जो कि थी, मैं एक बार पढ़ना चाहूँगा उसको, वो था सिंगापुर हाई कोर्ट हैज़ रिकॉग्नाइज बिटकॉइन एज प्रॉपर्टी। एक और अच्छी न्यूज़ हमारे को सुनने को मिली। उसके बाद सर्कल इंटरनेट फाइनेंशियल द इशूअर ऑफ USDC टुडे अनाउंस इट हैज़ एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट फॉर 400 मिलियन फंडिंग राउंड विद इन्वेस्टमेंट फ्रॉम ब्लैक रॉक कैपिटल, जो कि खुद में एक बहुत बड़ा नाम है। एक और पॉजिटिव न्यूज़ आई, और यहाँ पे एक और दोबारा से न्यूज़ आई, एप्पल हायरिंग अ सीनियर लीगल काउंसिल विद ब्लॉकचेन एंड डिजिटल एसेट एक्सपीरियंस। यानी कि एप्पल के यहाँ पे अब काफ़ी ज़्यादा हम कह सकते हैं मूवमेंट देखी जा सकती है टूवर्ड्स ब्लॉकचेन। एप्पल काफ़ी कुछ कर रहा है। उसके बाद भी अगर हम देखें तो BTC के अंदर एक खास मूवमेंट देखने को नहीं मिली। इन्फ्लेशन होना, यानी कि हम आपको मैं बता चुका हूँ, प्राइस बढ़ना चीज़ों का, हमारे वैल्यू की, हमारे पैसों की वैल्यू को घटना, जहाँ पे हम 100 रुपये के अंदर जो सामान लेते थे, अब वही 100 रुपये में हमारे को अब कम सामान मिल रहा है, तो हमारा पैसा इन्फ्लेट हो रहा है, हमारे पैसे की वैल्यू गिर रही है। इसको कंट्रोल करने के लिए बहुत बड़े बड़े बुरे बुरे एक्शंस लिए जाएंगे, जिसमें सबसे पहला एक्शन मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बहुत ज़्यादा कंसर्न के साथ बताया था, क्लियरली बताया था कि वो है कि यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन एंड एवरीथिंग जो है वो बढ़ेगा आने वाले वक्त के ऊपर, जिसके अंदर पिछली वीडियो के अंदर FED के अंदर क्लियरली कहा था कि वी विल टेक ऑल द मेजर्स ताकि हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर पाए। फिलहाल इन्फ्लेशन जो है वो आज तक 40 ईयर्स के अंदर अगर हम बात करें सबसे हाई जा चुकी है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए इस साल बी रेडी, क्योंकि बहुत बार हमारे को रेट हाइक की न्यूज़ दिखाई देगी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा वॉलीटिलिटी और मार्केट के अंदर करेक्शंस हमारे को बहुत बार दिखाई देगी। तो यहाँ पे मेरा मेजर कंसर्न जो है, बिटकॉइन ने $40,000 के सपोर्ट को भी यहाँ पे इम्पोर्टेंस नहीं दी है। बिटकॉइन न्यूज़ के बाद थोड़ा सा एक कह सकते हैं जस्ट अ फेक मूवमेंट, जो कि 40,600-700 तक हमारे को दिखाई दी, वो हमारे को फिलहाल देखने को मिला। बट इतनी सारी पॉजिटिव न्यूज़, अगर हम बात करें मियामी के अंदर Shopify के साथ इंटीग्रेशन, मैकडॉनल्ड्स एंड बड़े बड़े स्टोर्स के अंदर बिटकॉइन लाइटनिंग नेटवर्क की इंटीग्रेशन, सब कुछ होने के बाद भी मोमेंटम फिलहाल वेल्स के हाथ से जाता हुआ फिलहाल दिखाई दे रहा है। हॉलविंग ईयर के बाद हर बार जो मैंने आपको कहा है कि सीज़न अच्छा बुरा ही जाता है, उसके अंदर अप्रैल महीना और कुछ मंथ्स ऐसे होते हैं, कुछ ऐसी न्यूज़ होती है, कुछ ऐसा टाइम फ्रेम होता है जहाँ पे टाइम अच्छा जाता है, 15-20 दिन अब एग्जैक्टली मैं बात करूँ तो एग्जैक्टली 20 डेज इट वेंट इन टू अवर फेवर। लेकिन फिलहाल जो मैं मार्केट सिनेरियो देख रहा हूँ, आई एम सेइंग कि मार्केट बहुत बार, अभी जैसे आप न्यूज़ आई और आपको मार्केट दिखाई देगी होगी कुछ क्वाइंस ग्रीन हुए, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में बात करी थी क्वाइंस आपको ग्रीन होते हुए दिखाई देंगे, वी माइट थिंक कि यार अब हम एंट्री ले लेते हैं क्योंकि अब दोबारा से रैली स्टार्ट हो जाएगी, वी टेक एंट्रीज एंड इट अगेन करेक्टेड एंड उसके बाद दोबारा से हमारे को मार्केट नीचे जाती हुई दिखाई देगी। फॉर नाउ मैंने आपको बोला था $40,000 का सपोर्ट टूटेगा, तो येस आई विल गो इन टू अ मोड जहाँ पे मैं मार्केट को वॉच करूँगा, रेदर देन आई विल ट्रेड द मार्केट, आई विल स्टार्ट डूइंग SIPs, आई विल स्टार्ट पुटिंग द मनी इन टू द मेजर प्रोजेक्ट्स रेदर देन जस्ट ट्रेडिंग ब्लाइंडली इन टू ऑल्ट कॉइंस, और कॉइंस के अंदर पैसा लगाने की बजाय मैं फिलहाल मार्केट को देखूंगा और अपने पोर्टफोलियो के अंदर जो कॉइंस अभी प्लस के अंदर है, चाहे वो 10% के प्लस में हो, चाहे 5%, चाहे 20%, उसको मैं एग्जिट करूंगा। कौन से कॉइन? जो कि मिड टर्म या शॉर्ट टर्म के लिए मैंने लिए थे, लॉन्ग टर्म के साथ मैं आपको क्लियरली बता चुका हूँ मैं उनको बिल्कुल भी छेड़ने वाला नहीं हूँ। तो यहाँ पे मेरे लिए फिलहाल मैं जो देख रहा हूँ, मैं मार्केट को थोड़ा सा देखना चाहूँगा इस वक्त, मैं मार्केट में इस वक्त पॉजिटिव सेंटीमेंट्स के साथ फिलहाल ट्रेड नहीं करूँगा, रीज़न बीइंग इतनी सारी गुड न्यूज़ एंड स्टिल इम्पैक्ट इज नॉट देयर। हो सकता है यहाँ से BTC $43,000 तक दोबारा ट्रैवल कर जाए बिकॉज ऑफ सम वेल्स मूवमेंट, बिकॉज मार्केट यहाँ पे अनसर्टेन है, मार्केट को ओवर कॉन्फिडेंस में लेने के लिए BTC $43,000 चला भी गया तो आई विल नॉट बी शॉक्ड एट ऑल। मार्केट ग्रीन दिखाई देगी, आई विल नॉट बी शॉक्ड एट ऑल, और उस ग्रीन मार्केट के अंदर आई विल से कि हमारे पास बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी
कि अच्छे प्रॉफिट के ऊपर मार्केट के अंदर एग्जिट करने का, रेदर उसके बजाय हम ये सोचे कि यार अभी ग्रीडी हो जाते हैं और लंबे टाइम के लिए ट्रेड करते हैं, आई डोंट फील सो। अगर आपको लॉन्ग टर्म विजन SIBs करनी है तो देन स्टार्ट डूइंग इट नाउ विद एवरी डिप। फिलहाल के लिए आई एम अगेन सेइंग आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर, मैं वो बता रहा हूँ जो मैं अपने लिए कर रहा हूँ, जो कि मैं आपको हर साल हर मंथ हर बार बताता हूँ। इस बार मैं कहूँगा हमारे प्रेडिक्शन 45 डेज की थी जो कि सिर्फ 20 डेज तक सही रही, और अगले 25 दिन जो कि अभी चल रहे हैं उनमें 5 दिन हमारे अभी फिलहाल प्रेडिक्शन के अगेन जा चुके हैं, तो आई विल से हमारी ये प्रेडिक्शन सही नहीं रही है। तो मैं आपको बस यही कहना चाहूँगा फिलहाल के लिए, मैं मान रहा हूँ कि मार्केट के अंदर इतनी सारी पॉजिटिव न्यूज़, अच्छी मूवमेंट, सब कुछ जैसा होना चाहिए वैसा ही हुआ। रस्ट सिर्फ हमारे को एक एप्पल की न्यूज़ पूरी तरह से सुनाई नहीं दी, लेकिन एप्पल की भी काफ़ी इंटीग्रेशन हमारे को सुनाई दे रही है मार्केट के अंदर। आने वाले वक्त में एप्पल की जिस दिन भी न्यूज़ आई फॉर श्योर मार्केट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगी, लेकिन अनटिल कोई बड़ी मार्केट के अंदर न्यूज़ नहीं आती आई डोंट सी कि अभी मार्केट के अंदर अचानक से फिलहाल वेव आ जाएगी। तो दैट इज़ व्हाट आई एम डूइंग, आई एम राइट नाउ गोइंग टू मोड जहां पे मैं कॉशियस हो रहा हूं मार्केट के लिए, और मैं ट्रेड ब्लाइंड ट्रेड्स नहीं लूंगा, मैं न्यूज़ एंड इवेंट्स पे खेलूंगा, SIBs पे खेलूंगा फिलहाल, और ज़्यादा ट्रेड फिलहाल लेना मैं पसंद नहीं करूंगा। इन्फ्लेशन रेट बड़ा है और उसको कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे एक्शंस लिए जाएंगे इस साल, तो मैं उसके लिए भी रेडी हूँ, तो मैं ब्लाइंड ट्रेड्स करूँगा। तो फॉर श्योर हो सकता है बहुत बार मार्केट करेक्ट हो, और जब वो करेक्ट होगी तो आई विल गेट इट टू लॉसेस। तो यहाँ पे टैक्सेशन से भी बचना है, तो टैक्सेशन से अगर बचना है तो हमको लॉन्ग टर्म ट्रेड के ऊपर और ज़्यादा फोकस भी करना है। तो आई एम सजेस्टिंग यू राइट नाउ बी कॉशियस, मार्केट को देखो, मार्केट के अंदर क्या चल रहा है उसको देखो, न्यूज़ इवेंट्स के ऊपर दोबारा जाओ, SIBs पे ज़्यादा जाओ, तो आपके लिए फिलहाल बेटर रहेगा। इतनी अच्छी अच्छी न्यूज़ सिंगापुर की आनी, इतनी अच्छी अच्छी न्यूज़ अभी बेलरस और पोर्चुगल की भी न्यूज़ आई थी, सब कुछ अच्छा जा रहा है, उसके बाद भी मार्केट अगर नहीं रिकवर कर पा रही तो इट कैन बी कॉल्ड कि मार्केट के अंदर फिलहाल वो पावर नहीं है, एंड जो वेल्स है वो लूज़ कर रहे हैं बियर्स के आगे फिलहाल। तो हमें ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं ट्रेड करना, ट्रेंड अगर अगले 5 दिनों के अंदर बाई चांस कोई बहुत अच्छी न्यूज़ आ गई तो वी विल स्टार्ट टू ट्रेड अकॉर्डिंग टू द न्यूज़, बिकॉज ऑफ दैट न्यूज़ कि अब मार्केट के अंदर सेंटिमेंट्स बदल रहे हैं। दैट इज़ व्हाट आई एम डूइंग। आप लोग क्या कर रहे हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप डाउन करिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, बिकॉज आप लोगों का लाइक, आप लोगों के कमेंट्स, आप लोगों का दोस्तों के साथ अपने शेयर करना हमारी वीडियो डू हेल्प अस अ लॉट टू इम्प्रूव अवर चैनल एंड टू इंक्रीज अवर चैनल एज वेल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव फन, एंड रियली होप कि मार्केट जल्दी से थोड़ा सा अच्छी रिकवर मोड पे आए ताकि हम दोबारा से फैंटास्टिक वो ट्रेड्स ले पाए जहाँ पे हम 100%, 200%, 500% की गेंस हासिल करते हैं, वो भी हम करना स्टार्ट कर पाए।